हेलो स्टूडेंट्स मैं नरेश शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ सो so, आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक है और थोड़ा सा आ, मुश्किल भी लगता है बच्चों को सो so, इस टॉपिक के अंदर हम बड़े ही ध्यान से बड़े ही साधारण शब्दों के साथ हम लोग ग्रेविटेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इसका नाम है ग्रेविटेशन स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पूरे नेचर के अंदर चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब है जो फोर्सेस नेचर में अपने आप एग्ज़िस्ट करते हैं जैसे हम एक तो फ़ोर्स लगाते हैं किसी चीज़ पे धक्का मारते हैं वो तो हमने लगाया है लेकिन चार तरह के फोर्सेस ऐसे होते हैं जो नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करते हैं वो फोर्सेस कौन कौन से हैं जिसमें उन उनमें से पहला फोर्स है इलेक्ट्रो मैगनेटिज़म फोर्स दूसरा फोर्स होता है वीक इंट्रैक्शन तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन जो न्यूक्लियस के अंदर लगता है और चौथा होता है ग्रेविटेशन सो ग्रेविटेशन जो है दरअसल में एक तरह का नेचुरल फोर्स है जो नेचुरल तौर पे कुदरती तौर पे लगता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं तो आइए पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन uh, समझ लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जिससे इस पूरे यूनिवर्स के अंदर ना हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ उस फोर्स को क्या कहा जाता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है तो वो फोर्स जिसके साथ जिससे हर बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है अट्रैक्ट करती है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर पूरे यूनिवर्स में सिर्फ धरती पे नहीं यूनिवर्स में ब्रह्मांड में जो है ब्रह्मांड में ये फोर्स लगता है इसे हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फ़ोर्स बोलते हैं तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या कहता है न्यूटन ने न्यूटन ने काफ़ी सारे लॉज दिए हैं उनमें से एक लॉ है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ इसको यूनिवर्सल लॉ इसलिए कहा जाता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया हमारे पास यूनिवर्सल की न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ क्यों कहा जाता है क्योंकि जो ये लॉ है ये पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है कुछ लॉ जो होते हैं वो धरती पर एप्लीकेबल होते हैं लेकिन ये जो लॉ है ये लॉ पूरे यूनिवर्स में पूरे ब्रह्मंड में ये एप्लीकेबल है ये क्या कहता है ये कहता है एवरी पार्टिकल ऑफ़ मैटर इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद ए फोर्स जैसे मैंने पहले बताया कि हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है और ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मतलब कि दोनों जो बॉडीज़ हैं जिनके बीच में ये फोर्स लग रहा है उनको अगर हम उनके मासिस को मल्टीप्लाई कर लें तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम आपको शायद ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी तो इसलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं देखिए मैं सीधी सीधी भाषा में समझाता हूँ अब आप याद रखिए ये जो हमारे पास है ये फार्मूला है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ये कहता है जो फोर्स है ना ये इन दोनों बॉडीज़ के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आप इसको ऐसे समझिए कि जितना प्रोडक्ट ज़्यादा होगा दो बॉडीज़ के बीच में उतना ही फोर्स भी ज़्यादा होगा क्योंकि दो हैवीज बॉडी में जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा और दो लाइट बॉडीज में फोर्स कम होगा क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट ऑफ मासज लेना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर आर मतलब जो दोनों के बीच में दूरी थी अब जैसे जैसे दो बॉडीज़ में दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाएगा यहाँ पर एक टर्म आ गई है जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी हम बोल देते हैं तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है एफ इज़ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्केयर एफ फोर्स है जो लग रहा है जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एक कांस्टेंट है एम वन एम टू दोनों बॉडीज़ का मास है और आर दोनों के बीच में डिस्टेंस है अब ये जी क्या होता है जी एक कांस्टेंट है जैसे बताया था मैंने जिसको क्या कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन फोर जीरो एट इसको सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन लेते हैं आमतौर तौर पर हम लोग टेन रेज टू द पावर माइनस इलेवन ये क्वेश्चन में बड़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि वट इज़ द वैल्यू ऑफ जी और इसके जो यूनिट होते हैं वो भी आपने याद रखने हैं इसके यूनिट जो होते हैं किलोग्राम इसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं ये वाले इसके यूनिट होते हैं मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकंड स्केयर वैसे आप इसके यूनिट एक और भी हमारे पास यूनिट होते हैं आप इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं एफ़ का फार्मूला क्या था हमारे पास एफ़ का फार्मूला था जी एम वन एम टू बाई आर स्केयर ये था ना फार्मूला हमारे पास ये फार्मूला था हमारे पास अब अगर मैं यहाँ से जी की वैल्यू निकालूँ तो वाट इज जी जी कितना आ गया हमारे पास जी आ गया जी एफ इन टू आर स्केयर है ना डिवाइडेड बाय एम वन एम टू तो अब यहाँ से यूनिट निकालें जी के तो यूनिट बन जाएंगे एफ के क्या होते हैं न्यूटन डिस्टेंस के होते हैं मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्केयर तो ये भी इसके यूनिट होते हैं तो आपने इसके यूनिट याद रखने ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर ये भी बड़ी बार पेपर में इसके यूनिट पूछे जाते हैं अब हम बढ़ते हैं ग्रेविटी की तरफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में फ़र्क होता है अभी ग्रेविटी क्या होती है द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट ईच एंड एवरी थिंग टू वार्ड देंटर आपको पता है धरती के ऊपर जब भी हम कोई चीज़ ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो नीचे आएगी नीचे किस लिए आएगी क्योंकि वो धरती उसको अट्रैक्ट कर रही है तो जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं ग्रेविटी बोलते हैं ग्रेविटेशन दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स था ग्रेविटी अर्थ और उस बॉडी के बीच में किसी भी बॉडी के बीच में फोर्स है अब फोर्स का जो फार्मूला होता है ना वो फार्मूला होता है फोर्स का जी मास इंटू एक्सेलेशन है ना तो अगर धरती किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो उसका मतलब वहाँ पे एक्सेलेशन भी लग रही है तो उस एक्सेलेशन को क्या बोलते हैं हम एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग और इसकी वैल्यू धरती पर कितनी होती है नाइन पॉइंट एट और यूनिट इसके क्या होते हैं मीटर पर सेकेंड स्केयर आपने ये याद रखना है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को छोटे जी से रिप्रेजेंट करते हैं ये हर प्लैनेट पर अलग अलग होगी आपने सुना होगा जब आप स्पेस में जाते हो तो आपको वहाँ पे आप उड़ते रहते हो उड़ते क्यों रहते हो क्योंकि तो वहाँ पे एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है तो वहाँ आपका वेट जो है वो कितना हो जाता है ज़ीरो हो जाता है तो अब एक फार्मूला आपने और नोट रखना है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला छोटे जी और बड़े जी में रिलेशनशिप होता है जी एम बाई आर स्के यहाँ पर जी यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट था एम उस प्लानट का मास है जिस प्लानेट पर हम ग्रेविटी निकाल रहे हैं एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और आर उसका रेडियस है है ना अगर हम धरती के लिए निकालेंगे तो मास की वैल्यू धरती का भार कितना है मास कितना है वो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग और आर धरती का रेडियस कितना है वो वैल्यू अगर हम यहाँ पे धरती की वैल्यूज़ को पुट करें तो जी की वैल्यू कितनी तो आती है नाइन पॉइंट एट आती है है ना अगर हम लोग मून पर जाएंगे तो मून पे मून का तो मास कुछ और होगा उसका रेडियस कुछ और होगा तो वहाँ पर जी की वैल्यू फिर कम हो जाएगी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मून के ऊपर जी की वैल्यू छोटे जी की वैल्यू वन सिक्स uh, होती है धरती के वैल्यू के तो वहाँ पे हमारा वेट कम हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग हमारे लिए चलना मुश्किल हो जाएगा दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटे जी और बड़े जी में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी तो छोटा जी तो, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी था जो धरती खींच रही है अपनी तरफ बॉडी को और यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या था वो जो हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में किया था छोटी जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट होती है बड़े जी की वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन टू टेन रेस पावर माइनस इलेवन होती है छोटा जी है उसकी वैल्यू बदलती रहती है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो धरती से ऊपर जाते हो तो जी की वैल्यू कम होती रहती है लेकिन जो बड़ा जी होता है वो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है फिक्स रहती है ऐसा यूनिट इसके मीटर पर सेकेंड स्केयर होते हैं और उसके न्यूटन मीटर स्केर पर किलोग्राम स्केयर होते हैं यहाँ पे एक चीज़ और ले सकते हो छोटा जी जो है जो छोटा जी है दैट कैन बी जीरो जीरो हो सकता है लेकिन बड़ा जी जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको करवाना चाहता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड अगर हो आप इस इस पर करते हैं न्यूमेरिकल एक दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल हम इस पर करने जा रहे हैं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा इन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे क्या न्यूमेरिकल करेंगे कि मान लो एक प्लैनट है हमारे पास वी हैव ए प्लेनेट जिसका मास धरती से दुगना है मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एक प्लेनेट का मास धरती से दुगना है और रेडियस सेम है धरती जितना ही साइज उसका धरती जितना ही है लेकिन मास डबल है तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी तो जी इज़ इक्वल टू बड़ा जी तो फिक्स है हमारे पास है ना मास वो कहता है डबल हो गया और रेडियस वो कहता है सेम है तो ये बन गया हमारे पास जी इज़ इक्वल टू टू, टू टाइम्स जी एम बाई आर है ना तो ये क्या था ये तो धरती वाली वैल्यू थी इसका मतलब उस प्लैनेट के ऊपर जी की वैल्यू धरती से क्या होगी डबल होगी इस तरीके से हम लोग अलग अलग नूमेरिकल्स के साथ इन वैल्यूज़ के ऊपर कर सकते हैं तो अभी हम आज के टॉपिक को यही एंड करते हैं और फिर हम उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे तब तक आप लोग अपने टीचर से इसके बारे में डिस्कस करिए बहुत इंटरेस्टिंग है जितने भी प्लैनेट्स घूमते हैं सूरज के इर्द गिर्द या सैटेलाइट घूमते हैं वो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो तो तब तक जब तक हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे तब तक आप इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर लीजिए है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच